और बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी अदरक की दाल। मैं इसे भिगोकर रख देती हूँ, इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ और इसे 10 मिनट भिगोकर रखती हूँ। जब तक हमारी दाल भीग रही है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं सब्जियाँ, प्याज ली है मैंने, एक प्याज लिया है, इसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। दो हरी मिर्च ली है मैंने। यहाँ पर मैंने कद्दू लिया है, ये करीब पाव भर कद्दू है या उससे कम, अपने आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लौकी ली है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने सारी सब्जियाँ ली हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू लिया है मैंने, दो टमाटर कट किए हैं मैंने, ये गाजर लिया है मैंने, बीन्स और ये ड्रमस्टिक्स। यहाँ पर मैंने सांभर का तड़का बनाने के लिए सामग्री ली है, ये है हमारी सूखी लाल मिर्च, करीब 5 सूखी लाल मिर्च ली है मैंने, या नमक जो कि हम सांभर में यूज करेंगे, कड़ी पत्ता, राई और ये है हमारा सांभर मसाला। आइए हम अपनी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी सब्जियों को डालेंगे। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं, बाद में बाकी सब्जियाँ ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपनी सब्जियाँ ऐड कर देते हैं, बीन्स, सब्जियों में हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे स्वाद के लिए। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हमने जो दाल भिगोई हुई थी अब हम उसे कुकर में रखेंगे पकने के लिए। यहाँ पे करीब 1 गिलास पानी मैंने लिया है। दाल में हम टमाटर डालेंगे, ये इमली का पल्प है, इमली का पानी जो हम दाल में ऐड करेंगे। ये हमारी सब्जियां और ड्रमस्टिक्स, सबको एक साथ डाल देंगे। ये हमने 2 हरी मिर्च ली थी वो हम इसमें काट के डालेंगे, 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, बाद में हम इसे चेक करेंगे और फिर उसके हिसाब से और नमक ऐड कर, इसमें हम और पानी डालेंगे थोड़ा। हमने सब्जियों को भूनते समय 1/2 टेबलस्पून हल्दी का यूज किया था, मैं 1/2 टेबलस्पून हल्दी का यूज और कर रही हूँ। मैं 1 टेबलस्पून घी का यूज कर रही हूँ। अब हम इसे 3-4 सीटी आने तक पकाते हैं। आइए हम अपना सांभर चेक कर लेते हैं। हम अपनी सब्जियों को थोड़ा सा मैश कर देते हैं। हमने सब्जियों को मैश कर दिया है, अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, करीब 2-3 टेबलस्पून। तेल को गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो गया है, हम 2 टेबलस्पून राई डाल देते हैं, कड़ी पत्ते डाल देते हैं और लाल मिर्च डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून सांभर मसाला डाल रही हूँ। सो
इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा पानी डाल दूंगी। मैंने रेडीमेड सांभर मसाला यूज किया है, आप घर पर भी सांभर मसाला बनाकर यूज कर सकते हैं। अब हम अपना मसाला रेडी किया हुआ तड़का सांभर में ऐड करेंगे। नमक अभी थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक और मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब इसमें उबाल आने देते हैं। हमारा सांभर रेडी है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे इडली के साथ, डोसे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।